मैं जब कभी भी यहाँ पे आता हूँ ना, तो दो लोगों को बहुत मिस करता हूँ। एनीवेज, सारा कुछ लाइफ का पार्ट है। अपने पास्ट के वजह से फ्यूचर और प्रेजेंट तो ख़राब नहीं कर सकते ना। ऐसा ही मैं जा रहा था इस रास्ते, तो मैंने देखा कि यहाँ पर धान लोड हो रही है ट्रैक्टर में, तो सोचा एक राउंड मार लूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि खेतों में चलने के बाद भी इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे, सेफ होंगे। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पोको X3 के 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा से, और मैं इस कैमरा को ना रिव्यू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब मेरे एक्साइटमेंट का पीछे का रीज़न है इसकी 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में हमें सारे स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलती है, बट पोको X3 ही एक ऐसे स्मार्टफोन है जहां पे हम लोगों को 13 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलती है। इस वीडियो में आप जितने भी क्लिप देखोगे वो पोको X3 के 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा से रिकॉर्डेड है, और ऑडियो भी इसकी इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही। तो अभी मैं हूँ हाईवे के किनारे ताकि आप लोगों को पता चले कि ऑडियो की क्वालिटी कैसी मिल रही है, और थोड़ी थोड़ी विंड भी चल रही है। और मैं यहाँ पे ग्रिप के लिए यूज़ कर रहा हूँ अपना मिनी ट्राइपॉड, और आज मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ बबन भाई पहाड़। देखो मेरे पीछे, फाइनली पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1080p एट द रेट ऑफ 30 फ्रेम। और स्टेबिलिटी के लिए मैं कोई भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ एक ग्रिपिंग के लिए मैं छोटा सा ट्राइपॉड यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो जब मैं कैजुअली वॉक करूँगा तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। और अभी मैं हूँ बबन भाई पहाड़, वैसे तो यहाँ का मैंने वीडियो काफ़ी पहले बना रखा है, बट हजारीबाग और मेरे घर से नज़दीक यही लोकेशन है जो काफ़ी सीनिक है, तो मैं यहाँ पर बार बार आकर वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ से चढ़ कर ऐसे ऐसे जाकर, और वो जो पहाड़ है वहाँ की व्यू तो काफ़ी सीनिक है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1080p एट द रेट ऑफ 30 फ्रेम, और मैं कैजुअली वॉक कर रहा हूँ, और ग्रिपिंग के लिए मैंने लिया है सिर्फ अपना छोटा सा ट्राइपॉड। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस लोकेशन की सुंदरता आप लोगों को कैसी लग रही है ना सुंदर। बस सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, यहाँ पे मेरे आसपास कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूँ, और यहाँ पे गाय घास चर रही है। अगर बात करें इसकी क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी ऐसे हम लोगों को और भी दूसरे MI के फ़ोन में मिल जाती है, बट क्वालिटी दूसरे MI के फ़ोन में इस प्राइस पे हमें 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलती है, और ये 13 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड कैमरा, तो क्वालिटी में डेफिनेटली फ़र्क है, विजिबल फ़र्क है। अब पता नहीं YouTube पे अपलोड करने के बाद ये वीडियो कितनी कंप्रेस होगी, क्योंकि YouTube में कंप्रेस होकर आप लोग देखते हो तो आप लोगों को शायद उतनी अच्छी समझ में ना आए, बट जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ एक 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड कैमरा और 13 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड कैमरा की क्वालिटी में फ़र्क है। और मैं जब कभी भी यहाँ पर आता हूँ ना, तो दो लोगों को बहुत मिस करता हूँ। वो दो लोग जिनके साथ मैं पहली बार यहाँ पर आया था, अब हमारी बात नहीं होती, बट बात ना होने से, किसी की बात ना होने से वो इंसान आपके लाइफ में ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंस नहीं रखता। एक टाइम तो था जब हम लोग अच्छा खासा टाइम और काफ़ी सही, काफ़ी खुशी का टाइम एक साथ स्पेंड किए हैं इसी लोकेशन पे, बट हमारी बात नहीं होती। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जिसके साथ आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हो, हमेशा उसके लिए अच्छा सोचे,
ऐसे ऐसे चीज़ बताए जिनके बारे में उनको पता नहीं था। बहुत सारे नॉलेज, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस, वो दो लोग मेरे से छोटे थे, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस मैंने उनसे शेयर किया। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने उल्टा मेरे पे ही ब्लेम लगा दिया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आप किसी से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, हमेशा उसके साथ रह रहे हो, तो क्या खुद के लिए क्लेरिफिकेशन देना सही है? जब वो इंसान, जब मैं उनके साथ था, वो मेरे को समझ नहीं पाए, तो मैं खुद के लिए क्लेरिफिकेशन देकर कुछ वर्ड्स सेंटेंस में, क्या वो समझ जाएंगे कि मैं कैसा इंसान हूँ? इसीलिए मैंने, आई नो कि आप वीडियो देख रहे हो आप लोग दोनों, इसीलिए मैंने आज तक खुद के लिए कभी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। आपके ब्लेम लगाने के बाद आपको एक कॉल तक नहीं किया। एनीवे, ये लाइफ है, लाइफ का पार्ट है। अच्छा भी चाहो किसी के लिए तो उनको बुरा लगता है। कभी बताऊंगा मैटर, पूरा मैटर क्या है, बट फिलहाल चलते हैं ऊपर और स्विच करते हैं इसके 4K पे। एनीवे, सारा कुछ लाइफ का पार्ट है। अपने पास्ट के वजह से फ्यूचर और प्रेजेंट तो ख़राब नहीं कर सकते ना। तो अब मैंने स्विच कर लिया है पोको X3 के 13 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा के 4K रिजोल्यूशन पे, और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 13 MP 4K एट द रेट ऑफ 30 फ्रेम। और अभी मैं आप लोगों को ले जा रहा हूँ इस पहाड़ के ऊपर में, क्योंकि ऊपर से व्यू काफ़ी अच्छी है, पूरी की पूरी हज़ारीबाग दिखती है। और रोड देखो कितनी मस्त है, रोड नहीं रास्ता। जब आप कभी किसी के साथ गलत नहीं किया ना भाई, तो कभी क्लेरिफिकेशन मत दो। अगर क्लेरिफिकेशन दोगे ना, तो सामने वाला को लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं आप गलत हो, इसलिए क्लेरिफिकेशन दे रहे हो। मैं कभी किसी को क्लेरिफिकेशन नहीं देता। बस पहुँच ही चला। आज का ब्लॉग थोड़ा ये हो गया ना। मैं यहाँ पे ब्लॉग टेस्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि 13 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा, और अल्ट्रा वाइड कैमरा से मोस्टली लोग ब्लॉग ही करते हैं। तो ये वीडियो पे ब्लॉगर को थोड़ा प्रेफरेंस मिल गया, थोड़ा क्या, पूरा प्रेफरेंस मिल गया। उन लोगों को पता चला कि पोको X3 की क्वालिटी कैसी है, 1080p एट द रेट 30 और 4K एट द रेट 30। और मैं पहुंच गया जहां से मैं व्यू लूँगा। आप लोगों को व्यू देखो, ये रहा पूरा हज़ारीबाग। यहां से और ऊपर चढ़ा जा सकता है, बट मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अकेले आया हूं। और वो देखो, शायद देखो कितना मस्त लग रहा है ना, परिंदे एकदम खुले आसमान में उड़ रहे हैं। इनकी ज़िंदगी सही है यार। तो अब मैं आप लोगों को एक बार 360 डिग्री रोटेशन लेकर दिखाता हूँ कि पोको X3 की अल्ट्रा वाइड कैमरा में एक्सपोजर एडजस्टमेंट कैसी है। तो अभी आप देखो मेरे सामने डायरेक्ट सनलाइट है। अब तो आप ही लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को एक्सपोजर कैसी लग रही है, क्योंकि मैं यहाँ से देख नहीं पा रहा, बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। यहाँ पर आकर ना काफ़ी इमोशनल हो जाता हूँ, अब वीडियो नहीं बन पाएगी यार, बट कोई नहीं। मैंने आप लोगों को 1080p एट द रेट 30 और 4K एट द रेट 30 की वीडियो सैंपल एंड स्टेबिलिटी दिखा दिया। अगर आप ये फ़ोन परचेज करना चाह रहे हो ब्लॉगिंग के लिए, तो डेफिनेटली अगर आपकी बजट 17,000 की है, तो आप और कोई दूसरा फ़ोन मत देखो। पोको X3 इज़ मच बेटर ऑप्शन देन अदर। और यहाँ पे हाँ, मैंने कैजुअली ग्रिप के लिए अपना मिनी ट्राइपॉड यूज़ किया है। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करना है। बाय बाय, फिर मिलते हैं कभी कहीं किसी और वीडियो में। आई नो वीडियो प्रॉपरली नहीं है, बट आप लोगों को मोटा मोटी अंदाज़ा लग जाएगा कि इसकी क्वालिटी
स्टेबिलिटी कैसी है। फिर मिलते हैं कभी कहीं किसी और वीडियो।